लाल बहादुर शास्त्री और गांधी के बारे में बताया। आपके इस कैंपस में एक महामनीषी की मूर्ति लगी गई है, वो किसी गांधी और किसी लाल बहादुर शास्त्री की परंपरा के ही परिधि में आते हैं। मैं कैसे कह दूं कि ऊपर है कि नीचे है, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसी परंपरा के को सजो कर चलने वाले इस महामनीषी को मैं नमन करता हूं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, बाबू शिव शंकर सिंह जो इस महाविद्यालय के संस्थापक हैं, सहकारिता आंदोलन के अग्रणी, इस क्षेत्र में सरकार की भावना को पल्लवित और पुष्पित करने वाले। तो बिना सरकार के, बिना सहयोग के कुछ भी होने वाला नहीं है। कल परसों मरसों जब भी कार्यक्रम हो रहा था, राहुल ने एक सवाल उठाया था कि आखिर हम लोग कैसे क्या करें, अडानी है और अंबानी है और कौन कौन। यही धीरू भाई अंबानी डिलीवरी मैन थे पेट्रोल पंप पर, यही जमशेद भाई टाटा गट्ठर बांध करके साइकिल पर घूम घूम करके बेचा करते थे। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि हम सहयोग के साथ, सरकार के साथ हम आगे बढ़ें। एक कहानी है समुद्र राम का, समुद्र पर वो बन रहा था, पुल बन रहा था लंका पर, किस क्या नाम है स्कूल का, राम सिंह। एक गिलहरी दौड़ के जाती, पानी में समुद्र में डुबकी लगाती, बालू में आके लौटती और चली जाती, फिर पानी में डुबकी लगाती, फिर आती बालू पर लौटती, फिर चली जाती। ये क्रम बार बार कर रही थी। पूछा राम जी ने, क्या कर रही थी? कहा कि उसने ये पुल का निर्माण हो रहा, उसी में सहयोग कर रही हूं, बालू ढोड़ ढोके ले आ ले आके देह में लपेट लपेट के ले आ ले आके मैं, मेरा सहयोग है। तो कहा कि राम जी ने पूछा कि इस पुल बन जाएगा, कहा कि बन जाए या न बन जाए, ये पुल जब बन जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर मेरा भी नाम होगा कि ये गिलहरी ने भी अपनी गिलहरी सेवा लिया था। इस देश को बनाने का, देश के निर्माण का हो या ना हो कुछ, लेकिन मैडम ये कहानी बड़ा अच्छा कहा करती हैं। एक जगह कहानी ठीक ठीक याद नहीं आ रही है मुझे, आप लोगों ने सुना होगा, आप नए हैं याद भी होगी, आग लगी हुई थी तो वो दौड़ दौड़ के चोंच से पानी ले आके गिरा रहे, किसी ने कहा कि इसे आग बुझ जाएगी, कहा कि नहीं भाई कुछ तो नहीं जाएगी, लेकिन आग बुझाने वाले लोगों में मेरा भी नाम हो, मैं आग लगाऊंगी तो नहीं कही जाऊंगी, आग बुझाऊंगी कही जाऊंगी, मेरा नाम क्या हो मुझे जानते किस लोग किस रूप में है। हमारे गुरुवर समकालीन सोच के और प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य पीजी कॉलेज गाजीपुर में अंग्रेजी के प्रोफेसर पीएन सिंह साहब कहा करते थे कि मैं अगर तला के स्टेशन पर खड़ा था, किसी बड़े जंक्शन पर खड़ा था और एक कोई ट्रेन आती है, बहुत भीड़ वहां, कोई भीड़ आती है तो बाहर खड़े लोग पूछते हैं कि भाई कौन ट्रेन आई है, सवाल उठता है ना कि कौन ट्रेन आई है, बड़ी भीड़ आ रही है, तो किसी ने बताया कि अरे वो ट्रेन है, वो यूपी बिहार वाले हैं। मजदूर क्या है, यूपी बिहार वाले मजदूर है, हमारी पहचान कलकत्ता में, हमारी पहचान मुंबई में क्या है, मजदूर के रूप में। सर बहुत बहुत समझाया आप लोगों को किस तरीके से कहां क्या है कैसे है, सीख क्या लेनी है कि हमारी पहचान क्या हो, हम आग लगाने वालों में पहचान लिखा है कि आग बुझाने वालों में पहचान लिखा है। 23 मार्च 1938 को
फांसी के फंदे को चूमते समय कहा था भगत ने कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। मर जाऊंगा तो इस देश से दुर्गंध नहीं आएगी, वतन की खुशबू आएगी। और इतिहास गवाह है कि एक भगत सिंह जब मरे तो करोड़ों करोड़ों भगत सिंह पैदा हुए। आपके भीतर ऐसे जज्बे की जरूरत है, जिस जज्बे को पैदा करने में गांधी ने अपने जान की परवाह नहीं किया, जिस जज्बे को पैदा करने में शास्त्री जी ने अपने जान की परवाह नहीं किया, ताशकंद समझौता, एक छोटा सा मर्द कोई खड़ा हुआ तो मजाक में कहा था, वहां समझौते में जब गए थे तो वहां के लोग तो लंबे लंबे हैं, पत्रकारों ने कहा कि ये है कि आप बहुत छोटे हैं भाई, आपकी बहुत छोटी है नाते हैं। कहा कि हाँ इसीलिए तो बड़े लोग मेरे सामने झुकते बात करना पड़ता है। सदैव आप सकारात्मक बन के रहिए, कभी भी हीन भावना अपने मन मन में न आने दीजिए, महसूस करिए कि जो है वो बहुत अच्छा है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। गांधी ने कहा था इस देश को बनाने में जरूरत है हर किसी की भी, झोपड़ी में रहने वाले उस गरीब की भी और महलों में रहने वाले उस बड़े की, कोई फर्क नहीं था। एक इधर रचना अभी सर कह रहे थे कि आतंकवाद और कौनवाद, गांधीवाद सबके ऊपर कौन है, गांधीवाद। किसी भी देश में जाइए तो गांधी की मूर्ति मिलेगी। अभी इधर 27 वर्ष जेल में रह करके गांधी के रास्ते पर चल करके एक देश को आजाद कराने वाले, क्या नाम था सर उनका, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका, तो पूरे विश्व में गांधी पूजे जा रहे हैं, पूरे देश में इनकी इनकी विचारधारा